वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, जहां पे मैंने बास ट्रिपल बोर्ड के बारे में आपको बताया था कि कौन सा बास ट्रिपल बोर्ड अच्छा है और किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि बास ट्रिपल बोर्ड को सर्किट में कनेक्ट करते समय, एम्पलीफायर में कनेक्शन देते समय सही तरीके से कनेक्शन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से नॉइज आ जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बास ट्रिबल बोर्ड को एम्पलीफायर के साथ, प्री एम्पलीफायर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं सही तरीके से, जिससे नॉइज़ कम आए और अच्छी क्वालिटी की ऑडियो आए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रिक भी बताऊंगा, जो शायद किसी को पता नहीं होगी, जिसकी सहायता से आप अपने बास ट्रिबल बोर्ड के नॉइज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और आवाज़ जो आपकी फटने लगती है बास ट्रिबल बोर्ड लगाने से, वो चीज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नॉर्मल प्री एम्पलीफायर और एक ऑडियो एम्पलीफायर का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो आपको समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए, मैंने एक ये प्री एम्पलीफायर लिया है जो कि USB कार्ड रीडर, ब्लूटूथ वगैरह है इसमें। तो इससे मैं सिग्नल लूँगा और ये एम्पलीफायर एक छोटा सा मैंने लिया है। तो एम्पलीफायर कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। और ये कनेक्शन यूनिवर्सल है, यानी कि बड़े से बड़े एम्पलीफायर में भी इसी तरीके से कनेक्शन होता है और यहाँ भी इसी तरीके से होता है। तो मैंने आसानी के लिए छोटे एम्पलीफायर लिए हैं। इसकी जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है। प्री एम्पलीफायर यानी कि एक सिग्नल का सोर्स हमें चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, आपका माइक एम्पलीफायर हो सकता है, आपका MP3 प्लेयर हो सकता है, TV हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ से हमें एक ऑडियो सोर्स मिलता हो। और वो सोर्स हमारे एम्पलीफायर में जाता है यहाँ इनपुट पे, जिसे हम एम्पलीफाई करते हैं। और इसके बीच में हम लगाते हैं एक वॉल्यूम कंट्रोल। ये सिंपल तरीका है, इसके बीच में लगाते हैं हम एक वॉल्यूम कंट्रोल और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको सबसे पहले पता चल जाए कि एक प्री एम्पलीफायर और एम्पलीफायर विदाउट BT कनेक्शन कैसे होता है। फिर उसके बाद BT का कनेक्शन, यानी बास ट्रिबल बोर्ड या इक्वलाइजर का कनेक्शन, मैं बीच में उसके आपके करके दिखाऊँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पे कि एक प्री एम्पलीफायर है जिसमें से लेफ्ट और राइट ऑडियो आउटपुट जो है वॉल्यूम कंट्रोल के एक कॉर्नर पे जाती है, और वॉल्यूम कंट्रोल का एक सिरा ग्राउंड होता है और बीच के सिरे एम्पलीफायर के इनपुट से जुड़े होते हैं। तो ये एक प्लेन कनेक्शन है प्री एम्पलीफायर और एम्पलीफायर का डायरेक्टली विदाउट एनी BT और इक्वलाइजर। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। तो यानी प्री एम्पलीफायर के आउटपुट हमें यहाँ मिल गए और यहाँ से ग्राउंड मैंने ले लिया जो कि हमारे एम्पलीफायर में जाएगा, और वॉल्यूम कंट्रोल के सेंटर पॉइंट पे एम्पलीफायर का इनपुट होता है। ये एक यूनिवर्सल रूल है, इसको आप जान लीजिए। किसी भी एम्पलीफायर का कनेक्शन उसी तरीके से होता है। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये कंपनी का बना हुआ बोर्ड है, लेकिन इसमें भी स्पीकर को तो जोड़ने का तरीका गलत है। मैंने वैसे ही लगाया है जैसे बोर्ड पे मार्किंग बनी हुई है, लेकिन ये देखिए एक स्पीकर का आउटपुट और ग्राउंड, दूसरे का ग्राउंड और आउटपुट, यानी कि दो चैनल हो गए। लेकिन ये तरीका गलत है। गलत क्यों है ये मैं कभी आपको वीडियो में बताऊंगा। ऐसा ही सब लोग करते हैं और इन्हीं वजह से हमिंग आती है। और साथ में ये PCB बोर्ड को मैंने ग्राउंड से कर दिया है क्योंकि और कोई कैबिनेट तो नहीं है हमारे पास। और सप्लाई में फिलहाल मैं 12 वोल्ट की एक SMPS पावर सप्लाई से दे रहा हूँ, और दो छोटे से स्पीकर मैंने लगा रखे हैं यहीं पे ताकि आपको क्लियरली पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दो छोटे से स्पीकर मैंने 10-10 वाट के लगा रखे हैं। ये एम्पलीफायर भी लगभग 10 वाट का ही है। इस तरीके से एक बहुत छोटा सा सेटअप मैंने आपको बना के दिखाने की कोशिश की है, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। कॉम्प्लिकेटेड सेटअप बनाने से समझ में नहीं आता है। तो ये प्री एम्पलीफायर इनपुट गया वॉल्यूम में, वॉल्यूम कंट्रोल को थ्रू एम्पलीफायर के इनपुट में, और यहाँ पे लेफ्ट राइट स्पीकर लगे हुए हैं। ये पावर सप्लाई हमारी आ गई है, और फिलहाल में मैं इस प्री एम्पलीफायर को बैटरी से सप्लाई दूंगा, यहाँ से सप्लाई नहीं दूंगा। आप चाहें तो इससे भी सप्लाई निकाल के दे सकते हैं 7805 लगा के, 7805 IC लगा के। तो देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है और क्या नॉइज वगैरह इसमें आती है या नहीं आती है। तो NCS का म्यूजिक चल रहा है और आप देख रहे हैं कि ऑडियो आ रही है।
तो फ्रेंड्स, एक सिंपल कनेक्शन तो आपने देख लिया प्री एम्पलीफायर सिंपलीफायर की तरफ का, और अब बीच में हमारा आ जाता है बीटी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा बीटी मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर बीटी है, बस ट्रिबल बोर्ड है, और जिसमें एक्सटर्नल कंट्रोल भी नहीं लगे हुए हैं, सारे कंट्रोल्स ट्रिमर के थ्रू बोर्ड पे ही लगे हुए हैं। सर्किट का कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से जोड़ते हैं आप प्री एम्पलीफायर से एम्पलीफायर की तरफ, और पावर सप्लाई किस तरह से शेयर की जाती है ये देख लीजिए, और ग्राउंड कहाँ से लगता है, वॉल्यूम कंट्रोल किस तरीके से लगा है। तो बीच में अब हम बीटी किस तरीके से लगाते हैं ट्रेडिशनल वे में, यानी कि जिस तरीके से लोग लगाते हैं, सबसे पहले मैं उस तरीके से लगा के आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस तरीके में क्या कमी है और उस कमी को किस तरीके से दूर करें। तो बीटी कुछ इस तरीके से लगती है दोस्तों। प्री एम्पलीफायर के सिग्नल निकलकर बास ट्रिबल बोर्ड में जाते हैं, और बास ट्रिबल के सिग्नल निकलकर हमारे एम्पलीफायर बोर्ड में जाते हैं, और ये कनेक्शन डायरेक्ट होता है, और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम लगता है इस स्टेप में। बीटी और एम्पलीफायर के बीच में हमारा वॉल्यूम कंट्रोल लगता है, और पावर सप्लाई इस बोर्ड को अगर आपको देनी है, अगर अलग नहीं है तो यहाँ से पावर सप्लाई 17805 लगा के आप दे सकते हैं 5 वोल्ट, और इसको तो 12 वोल्ट ही चाहिए तो यहाँ से दे सकते हैं आप। लेकिन ये पावर सप्लाई और 5 वोल्ट देने में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसकी वजह से भी हीजिंग और हमिंग आ जाती है, और किस तरीके से करेक्ट कनेक्शन करना है ये मैं बताता हूँ। पहले हम करेंगे ट्रेडिशनल कनेक्शन। तो ये बास ट्रिबल बोर्ड में कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, ये इसका बास ट्रिबल का इनपुट है जो कि यहाँ से आएगा, और आप डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं किस तरीके से मैंने किया है, और ये बास ट्रिबल का आउटपुट अभी हो गया जो कि वॉल्यूम के एक एंड पे आएगा, जिधर में वॉल्यूम ज़्यादा करना होता है उस एंड पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस ग्राउंड को मैं वॉल्यूम के साथ नहीं कनेक्ट करूँगा, वॉल्यूम के ग्राउंड के साथ यहाँ कनेक्ट नहीं करूँगा जैसा कि लोग कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये भी 12 वोल्ट पे चल रहा है, 12 वोल्ट पे एम्पलीफायर भी चल रहा है, और उसी सप्लाई से मुझे ये भी चलाना है, एम्पलीफायर की सप्लाई से ही बीटी को चलाना है। तो इसलिए मैं यहाँ ग्राउंड ऑलरेडी कनेक्टेड है तो इस ग्राउंड को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप मल्टीपल पॉइंट्स पे जो ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, वॉल्यूम पे भी ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, इससे ग्राउंड लूप क्रिएट हो जाता है जो कि हमिंग का एक मेन कारण है। और एम्पलीफायर में ग्राउंड लूप किस वजह से क्रिएट होता है और हमिंग के क्या क्या रीजंस हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर सिर्फ बीटी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप हर जगह की अर्थ को आप माइनस के साथ जोड़ते हुए चलेंगे तो हमिंग आने के चांस रहेंगे। सिर्फ प्लस माइनस को जोड़िए, बाकी सिग्नल को, क्योंकि माइनस यहाँ से एक जगह से आ ही रहा है, सिग्नल को अपने नॉर्मल वे से जाने दीजिए। और साथ प्री एम्पलीफायर के साथ भी यही भी है, अगर प्री एम्पलीफायर मेरा इसी पावर सप्लाई से चलता तो यहाँ 3 की बजाय मैं सिर्फ 2 वायर यूज़ करता, माइनस को मैं नहीं लगाता, माइनस को वहाँ से ग्राउंड से यहाँ से आने देता। इस माइनस को भी लगाएंगे और यहाँ से भी माइनस को लगाएंगे तो दोनों माइनस के बीच में कुछ वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है जिसको हम ग्राउंड लूप बोलते हैं, और वही वोल्टेज हमिंग के रूप में एम्पलीफाई हो जाती है और आपको सुनाई देती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं एम्पलीफायर की वायरिंग, तो कुछ इस तरीके से कि एक पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई आ रही है जो कि हमारे एम्पलीफायर में आई, और उसी पॉजिटिव सप्लाई निगेटिव सप्लाई को हमने वायर्स लगा के उठा लिया, बास ट्रिबल बोर्ड पे दे दिया, और फिर बास ट्रिबल बोर्ड से हमने पॉजिटिव सप्लाई उठाई, निगेटिव सप्लाई उठाई और प्री एम्पलीफायर में दे दिया। तो ये कनेक्शन गलत है, एक बोर्ड से पूरी पावर सप्लाई उठा के आप दूसरे बोर्ड में दे रहे हैं, दूसरे बोर्ड से तीसरे बोर्ड में दे रहे हैं, या जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं, तो एक सीरीज टाइप का क्रिएट हो जाता है और इसमें वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होने लगता है हर बोर्ड पर। तो जब हर बोर्ड पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो हमिंग का रीजन होता है। इसकी बजाय आप एक पॉइंट निर्धारित कीजिए, एक फिक्स पॉइंट कीजिए, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में दिखाया है। इसमें आप जो रेड ब्लॉक देख रहे हैं वो पावर सप्लाई है, यानी कि पावर सप्लाई का आपका मेन कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर कुछ भी कहिए। तो प्री एम्पलीफायर का प्लस मैं वहाँ पर ले गया हूँ, और प्री एम्पलीफायर का माइनस भी मैं वहाँ से लेके आया हूँ। फिर से बीटी बोर्ड का प्लस मैं पॉजिटिव सप्लाई वहाँ से लेके आया हूँ, और बीटी बोर्ड की माइनस सप्लाई भी मैं उसी कैपेसिटर से लेके आया हूँ। फिर एम्पलीफायर में भी मैंने ऐसा ही किया है, एम्पलीफायर का पॉजिटिव मैं कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर के प्लस से लेके आया हूँ ब्रिज रेक्टिफायर के, और माइनस भी मैं वहाँ से लेके आया हूँ। मैंने ये नहीं किया है कि एक बोर्ड से सप्लाई निकाली दूसरे बोर्ड में, दूसरे बोर्ड से सप्लाई निकाली तीसरे बोर्ड में।
सारे बोर्ड की सप्लाई इंडिपेंडेंट चलेगी और सारे बोर्ड इंडिपेंडेंटली सप्लाई लेंगे, पावर सप्लाई बोर्ड या पावर सप्लाई मॉड्यूल, पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर या पावर सप्लाई कैपेसिटर से। यही तरीका है हमिंग को रोकने का। इस तरीके से अगर आप अपनी वायरिंग करेंगे तो हमिंग कभी भी नहीं आएगी। और जब भी आप वॉल्यूम कंट्रोल को यूज़ करते हैं, अगर आप मेटल इनक्लोज़र में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेटल तो ऑलरेडी ग्राउंड होता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक इनक्लोज़र में यूज कर रहे हैं, तो जैसा मैंने यहाँ पे किया है, देखिए इसकी बॉडी को मैंने ग्राउंड से लगा दिया है। तो अगर प्लास्टिक कैबिनेट में आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए, नहीं तो वॉल्यूम कंट्रोल से भी नॉइस पिकअप होती है। तो फ्रेंड्स, ये बीटी का सर्किट हमारे कंप्लीट हो चुका है। ये प्री एम्पलीफायर से हमारे बीटी में गया और बीटी से निकल के वॉल्यूम कंट्रोल से होते हुए एम्पलीफायर में गया। बास्टेबल बोर्ड को सप्लाई हमें मिल रही है एम्पलीफायर से ही, और प्री एम्पलीफायर को सप्लाई मैंने अलग से दी है। तो आइए ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा बास्टेबल बोर्ड काम करता है या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एम्पलीफायर और वॉल्यूम कंट्रोल को एक छोटे से मेटल कैबिनेट में डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी नॉइज़ भी आ रही थी और काफ़ी हिलडुल रहा था बोर्ड। तो इसकी क्वालिटी क्या है तो आप देखिए। देखिए मैं ट्रिपल बढ़ाता हूँ, काफी ट्रिपल आ रही है हमारे पास। और ये बेस, बेस भी मैंने कम कर दिया है, अब मैं बेस बढ़ाऊंगा। आप देख रहे हैं कि बेस बढ़ गई है दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप सुन पा रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसमें नॉइज है। नॉइज का रीजन है ये अनशील्डेड वायर। देखिए कितना सेंसिटिव है ये एम्पलीफायर। SMPS सप्लाई से चलने से और भी सेंसिटिव हो जाता है, ट्रांसफार्मर से इतना सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि SMPS काफी नॉइजी होता है। ये देखिए, और ये शील्ड वायर मैंने यूज किया है, ये शील्ड नहीं यूज किया है। देखिए, तो ये वायर भी आपको सील्ड यूज करना है, ये वायर भी सील्ड यूज करना है, और ये वायर भी सील्ड यूज करना है। इसके अलावा क्या करना है, पावर सप्लाई आपको रेगुलेटेड देनी है। आप ये इस तरह की आईसी से रेगुलेटेड पावर सप्लाई बीटी को दीजिए, और इस तरह की आईसी को आप जब भी लगाएं। मैंने देखा है कि लोग बहुत सिंपली बस एक इनपुट आउटपुट ग्राउंड दे देते हैं, ये इसका तरीका नहीं है। इसकी पिंस पे यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और एक 104 पीएफ का 104 वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ लगाना है। यानी ग्राउंड से इनपुट, ग्राउंड से आउटपुट पर आपको 104 वैल्यू 104 कोड वाला कैपेसिटर लगाना है। साथ में कम से कम ग्राउंड से इनपुट पर और ग्राउंड से आउटपुट पर आपको 1000 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर लगाना है, जितना भी वोल्टेज आप ले रहे हैं, 7805 पे 5 वोल्ट का और 7812 पे 12 वोल्ट का। तो इसके लगाने से आपकी नॉइज और हमिंग काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ये सप्लाई अच्छी नहीं है, सप्लाई अच्छी नहीं आ रही है इसमें, तो इसी वजह से नॉइज ज़्यादा आ रही है इसमें। आपने ये देखा दोस्तों कि प्री एम्पलीफायर का आउटपुट बीटी के इनपुट से डायरेक्टली जुड़ा है, जबकि आपने पहले देखा था कि यही इनपुट वॉल्यूम पे कंट्रोल पे जुड़ा था, जो कि एम्पलीफायर में जा रहा था, और बीच में आपके रास्ते में कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्यूम कंट्रोल था। तो वॉल्यूम कंट्रोलर क्या होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली एक इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस होती है। यानी कि जिस वैल्यू की वोल्टेज इसको चाहिए, वो वोल्टेज आप कम ज़्यादा कर रहे हैं। इस केस में आपने क्या किया है कि पूरी वॉल्यूम जो कि प्री एम्पलीफायर से निकल रही है, या मोबाइल फोन से, या आपके किसी माइक्रो एम्पलीफायर से, एज इट इज आपने बीटी को दे दिया, तो इसी बीटी आपका ओवरलोड हो जाता है और आवाज़ फटने लगती है, ट्रिबल फटने लगता है। तो आउटपुट पर तो आपने कंट्रोल किया, लेकिन इनपुट को कंट्रोल नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया। तो ये एक बहुत मेजर, सबसे बड़ी गलती है, और सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि हम इनपुट को भी इसके कंट्रोल करेंगे वॉल्यूम के हिसाब से। तो आप चाहें तो वॉल्यूम कंट्रोल लगा दें, लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल लगाना नहीं सही है। यहाँ पे हम लगाएंगे एक प्रीसेट, और उस प्रीसेट को हम किस तरह से सेट करेंगे कि हमारा आउटपुट बैलेंस रहे, आइए हम देखते हैं। यह रहे हमारे पास 100K के दो प्रीसेट। 100K का कोई मस्ट नहीं है, 47K,
22 के तक का भी आप ले सकते हैं, 10 के का लेने से बचिए, थोड़ा बास के परफॉर्मेंस में कम आ जाएगा। तो 50 के से ऊपर का कोई भी ले सकते हैं आप। और ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्री एम्पलीफायर और एम्पलीफायर के बीच में हमने वॉल्यूम कंट्रोल लगाया है, उसी तरीके से हम प्री एम्पलीफायर और बास ट्रेबल बोर्ड के बीच में ये प्रीसेट लगाएंगे, जो कि एक कंट्रोलर का काम करेगा और बास ट्रेबल बोर्ड को ये एक लिमिटेड सिग्नल्स देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बार आप देख भी सकते हैं इस बोर्ड को, तो ये इसका इनपुट है, ये इसका इनपुट डायरेक्टली एक कैपेसिटर से सर्किट में पहुंच जाता है, यानी कि कोई भी अर्थिंग वगैरह नहीं की गई है, इम्पीडेंस मैचिंग का, लाइन लेवल वोल्टेज मैचिंग का कोई भी अरेंजमेंट इस बीटी में नहीं है। और ये इंडियन डिजाइन हर बीटी में ऐसा ही होता है, वो इनपुट को बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं, यानी कि जो वोल्टेज आ रही है पूरी यहाँ से पहुंच जाएगी। तो यहाँ भी एक लाइन लेवल के लिए कंट्रोलर होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सुधार है जो कि नहीं आता है, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ठीक जिस तरीके से हम वॉल्यूम कंट्रोल लगाते हैं आउटपुट पर, उसी तरीके से इनपुट पर हम प्रीसेट लगाएंगे। दो ग्राउंड के वायर हैं, तो इनके ग्राउंड सिरों को एक ग्राउंड मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, और ऊपर दिख रहे डायग्राम से आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से प्री एम्पलीफायर और बीटी बोर्ड के बीच में प्रीसेट आपको लगाना है। इसे भी ग्राउंड कर देंगे। इस ग्राउंड को ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे कीजिएगा या बहुत पास में ही कीजिएगा, ये नहीं कि कहीं भी आप ग्राउंड कर दें, इससे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हमारा प्रीसेट लग चुका है, अब आइए देखते हैं इस प्रीसेट से क्या फर्क पड़ता है, इसको सेट किस तरीके से करना है और इसका फर्क क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रीसेट को सेट कैसे करना है। दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप इसको बिल्कुल कम कर दीजिए, इस प्रीसेट को बिल्कुल मिनिमम माइनस जीरो। इसके बाद आप बीटी के बास ट्रिबल को फुल कर दीजिए, बिल्कुल फुल, और वॉल्यूम कंट्रोल को भी फुल कर दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं म्यूजिक, देखना है कि कितने पे आवाज फटती नहीं है। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वॉल्यूम फुल है लेकिन हमारी आवाज फट नहीं रही, लेकिन हमारी आवाज फट नहीं रही है। अभी और हम बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। फट गई, कम करते हैं, ठीक है। इधर की फट गई, देखिए इतने पे हमारा सेट हो गया, नॉइज भी कम आएगी और फुल वॉल्यूम में भी आपकी आवाज नहीं फटेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपकी नॉइज को कम करने का। मेरे यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, इस वजह से स्पार्क्स बार बार आ रहे हैं। इस तरीके से आप बास ट्रिबल बोर्ड के इनपुट को कंट्रोल में रखते हुए और अपने एम्पलीफायर के वॉल्यूम कंट्रोल को फुल करके इस प्रीसेट को उतना सेट करें जहाँ पर आपकी आवाज़ ना फट रही हो, और ये बहुत अच्छी ट्रिक है, और सारी नॉइज़ आपकी चली जाएगी। जहाँ पे भी नॉइज़ आपको एक्सेप्टेबल लग रही हो, वहाँ पे आप जो भी आपके हिसाब से ठीक लग रही हो वहाँ पे प्रीसेट को छोड़ सकते हैं, कोई इसमें रूल नहीं है कि कितना बढ़ाना है। जहाँ पे भी लगे आपको कि हाँ ठीक है, अब नॉइज़ हमारे बर्दाश्त करने के काबिल है, लिमिट में है, तो वहां पर इस प्रीसेट को छोड़ दीजिए। इस प्रीसेट का काम अगर आप समझ रहे होंगे कि मैंने एक वॉल्यूम कंट्रोल लगाया है, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए, ये वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए है। क्योंकि बास ट्रिबल का इनपुट पूरी तरह से ओपन है, इसलिए यहाँ से जो सिग्नल आ रहा था डायरेक्टली फुल पावर में बीटी में पहुंच रहा था, और बीटी से जो निकल रहा था वो एम्पलीफायर में जा रहा था, उसको आप कंट्रोल कर रहे थे एम्पलीफायर इस वॉल्यूम कंट्रोल के माध्यम से, लेकिन इसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे थे, इसलिए फुल वॉल्यूम पर ये बीटी काम कर रही थी हमेशा। जबकि इसे फुल वॉल्यूम पे काम कराएंगे तो फुल वॉल्यूम पे आपको पता है कि आवाज डिस्टॉर्ट हो जाती है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो अगर आप इनपुट के वोल्टेज को कंट्रोल में रखेंगे तो आपका आउटपुट अपने आप विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट में रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप बीटी लगाते हैं, बीटी लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। बीटी लगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मेरे पास है, मल्टीपल बीटी लगाने का, और वैसी परफॉर्मेंस बहुत ही आराम से नहीं मिलती है। आप जैसा कि जानते हैं कि एक बोर्ड आपके आउटपुट को, बास ट्रिबल को अगर 6 डेसिबल्स घटाता बढ़ाता है, प्लस माइनस करता है,
तो दो बोर्ड लगाएंगे आप 12 डेसिबल्स कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन दो बोर्ड को किस तरीके से लगाना है, शायद मार्केट में लोग लगाते होंगे डबल बोर्ड्स को, डबल बीटी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपका एम्पलीफायर अच्छा हो जिसमें एम्पलीफायर में नॉइस कम हो तो डबल बीटी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन डबल बीटी को लगाना और उसकी नॉइस को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि डबल बीटी लगाएंगे तो बास ट्रिबल बढ़ेगा साथ में नॉइस भी बढ़ेगा। तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करें और किस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस लें, और एक स्विच आप लगा के एक्स्ट्रा बास ट्रिबल का स्विच, उससे आप दूसरी बीटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अगर आपको चाहिए तो। बहुत ही जबरदस्त बास ट्रिबल है, उससे अच्छा बास ट्रिबल नहीं हो सकता। इस सिंपल बोर्ड से भी, सिंपलेस्ट बोर्ड से भी आपको कोई आईसी वाला बोर्ड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोर्ड से भी आप बहुत ही अच्छा बास ट्रिबल ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो ये घटिया सबसे बोर्ड था वो आपको सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। सिर्फ दो बीटीज आप पैरेलल में लगाइए, सीरीज में लगाइए, लेकिन लगाने को आप सोच सकते हैं, लेकिन तरीका उसका थोड़ा डिफिकल्ट है। और एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों, इसमें ये BC548 ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि जनरल पर्पस NPN ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर बहुत ही नॉइजी होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, बहुत ही नॉइजी ट्रांजिस्टर होता है। तो सबसे पहले इसे निकाल दीजिए, BC549 लगाइए, ओरिजिनल फिलिप्स कंपनी का, बहुत ही कम नॉइज करता है। लगभग इस ट्रांजिस्टर को बदलने से ही आपको 5% से लेके 10% नॉइज में आपको रिलैक्स मिल जाएगा। बाकी इस चीज से आपको जो है लगभग 25 से 30% आपको नॉइज ये कम करेगा। बाकी सील्डेड वायर वगैरह की चीजें जो है ये आपके 10-15% नॉइज को कंट्रोल करेंगी। तो आपका जो पुराना बीटी था उससे नए बीटी में आपको 70% तक कम नॉइज मिलेगी। तो इसको आप यूज कीजिए और अपने एम्पलीफायर में लगाइए और मुझे बताइए कि कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में मेरे चैनल को देख रहे हैं, लेकिन उस रेशियो में लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स एंड बाय।